हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस के अनियन हेयर केयर रेंज के बारे में। मेरा एक्चुअली साल भर ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं अलग अलग ब्रांड्स के हेयर केयर रेंज ट्राई करती रहती हूँ ताकि हेयर फॉल थोड़ा तो कंट्रोल हो जाए, और वैसे भी रिव्यू भी तो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये टोटल हेयर केयर रेंज लास्ट एक महीने से यूज़ कर रही हूँ, हफ्ते में दो बार करके। वाओ मल्टीविटामिन फेस क्रीम का जो रिव्यू शेयर किया था मैंने, उस वीडियो में मैंने बताया था कि वाओ का हॉल क्या है। तो मेरे पास वाओ अनियन रेंज का हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क सभी है। पहले मिनी रिव्यू शेयर कर देती हूँ और लास्ट में अपने एक्सपीरियंस बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वाओ ब्लैक सीड हेयर ऑयल के बारे में। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इसे यूज़ करने से हेयर और स्कैल्प दोनों को ही नरिशमेंट मिलेगी। बहुत सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ब्लेंड है ये। ये ऑयल फ्रीज कंट्रोल करेगा, हेयर लॉस को कम करेगा, बाल शाइनी रहेंगे, स्कैल्प कंडीशन इम्प्रूव होगा, और केमिकल ट्रीटमेंट और हीट से जो बाल डैमेज हो जाते हैं उसे भी रिपेयर करेगा। इसमें अनियन सीड ऑयल के अलावा ब्लैक सीड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मुरुख का नरगन ऑयल, कैस्टर ऑयल और होहोबा ऑयल है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हेयर लॉस कम करने के लिए तो बेनिफिशियल है ही, डैंड्रफ भी चला जाएगा और बाल हेल्दी रहेंगे। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और ये रहा इसका पैकेजिंग, आउटर बॉक्स और एक्चुअल बॉटल दोनों पे ही सारे डिटेल्स मेंशन है। लुक्स भी काफ़ी अच्छा है, ऐसे पंप बॉटल में आता है तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है यूज़ करना। साथ में कैप भी है, तो ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। MRP है 599 rupees फॉर 200 ml। ये ऑयल एकदम लाइट वेट है, नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीजी, और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, अनियन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे रात में सोने से पहले अप्लाई करना है और सुबह शैम्पू करना है, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिलता तो मैं शैम्पू करने से 1.5-2 घंटा पहले अप्लाई करती हूँ, जेंटली मसाज करती हूँ थोड़ी देर स्कैल्प पे, और फिर शैम्पू कर लेती हूँ। और शैम्पू के लिए मैं वाओ का ही अनियन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब उसे देख लेते हैं। ओके, तो ये है वाओ का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। ये एक सल्फेट फ्री शैम्पू है, इसमें पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। वैसे वाओ के सारे प्रोडक्ट्स ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और उनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। और ये प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करेगा, ब्लॉक्ड रूट्स को क्लैरिफाई करेगा, हेयर क्यूटिकल्स को स्मूदन आउट करेगा और हेयर शाइनी रहेंगे। इसका पैकेजिंग भी डिसेंट है, कन्वीनियंट पंप बॉटल है, आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। और इसका MRP है 499 rupees फॉर 300 ml ऑफ प्रोडक्ट। इसमें मेनली रेड अनियन सीड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, प्रो विटामिन B5 है, तो हेयर रीग्रोथ करने में मदद मिलती है। और इसकी कंसिस्टेंसी रेगुलर शैम्पू जैसी ही है, लेदर भी करता है ठीक ठाक, और माइल्ड फ्लोरल सेंट है, अच्छा शैम्पू है। ओके, तो नेक्स्ट कम्स वाओ रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर। और इसका क्लेम्स भी मोर और लेस सेम ही है शैम्पू जैसे, और वैसे भी ये टोटल रेंज ही तो है एंटी हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ का, तो क्लेम्स तो सेम ही होंगे। इसमें भी मेन इंग्रेडिएंट है रेड अनियन सीड ऑयल और ब्लैक सीड ऑयल, लेकिन इसके अलावा इसमें हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन है, तो बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने में मदद मिलता है, और फ्रेग्रेंस भी अच्छा है। और कंसिस्टेंसी थिक नहीं है, मीडियम है, बालों पे इजीली स्प्रेड हो जाता है। पैकेजिंग भी अच्छा है, प्राइस है 499 rupees फॉर 300 ml ऑफ प्रोडक्ट। चलिए अब हेयर मास्क देख लेते हैं। तो ये है वाओ का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर मास्क। ये हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करता है, डल हेयर में जान वापस लाता है और ब्रिटल हेयर को रिपेयर करता है। प्राइस है 499 rupees फॉर 200 ml ऑफ प्रोडक्ट। ये ऐसे टब पैकेजिंग में आता है, इसमें भी मेनली हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन, रेड अनियन सीड ऑयल एंड ब्लैक सीड ऑयल है। नाइस क्रीमी कंसिस्टेंसी है, फ्लोरल सेंट है। आपको इसे शैम्पू करने के बाद अप्लाई करना है। बालों से एक्सेस वाटर को स्क्वीज करके निकाल लीजिए, फिर मास्क को अप्लाई कीजिए जेंटली रूट से लेकर टिप्स तक। लेट इट सिट फॉर 10-15 मिनट्स और उसके बाद गुनगुने पानी से धो लीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में।
तो मैंने इस हेयर ऑयल को लास्ट एक महीने से हफ्ते में दो बार करके यूज़ किया है और ये सच में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि मेरा हेयर फॉल प्रॉब्लम पहले से बहुत कम है। मैंने इसके पहले बहुत सारे अनियन ऑयल्स और मास्क यूज़ करके देखा है और उन सब में से ये हेयर ऑयल मुझे सबसे अच्छा लगा। एक तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और दूसरी बात इसका फ्रेग्रेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे हेडेक नहीं हो रहा है। तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये हेयर ऑयल एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। हेयर फॉल तो कम ही होगा और बाल शाइनी रहेंगे। और सेकंड बेस्ट लगा मुझे ये हेयर मास्क। हेयर फॉल कंट्रोल करने में भी मदद कर रहा है और बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। बालों को ऐसे टच करने से खुद को ही पता चलता है ना कि मेरे बाल आज स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, वैसा वाला फीलिंग। और फ्रिज भी कंट्रोल हो जाता है कुछ हद तक। और ये जो दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर है ये एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा तो ऐसे लट के लट बाल निकल आता था इसलिए इतना केयर करना पड़ता है। तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि ये दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप इन्हें हेयर ऑयल और मास्क के साथ यूज़ करेंगे तो ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ये टोटल किट एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। मुझे तो अच्छा रिजल्ट मिला, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। और वाव के प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट पे रहता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप खरीदना चाहें तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye.